हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैक्सी स्टाइल लॉन्ग गाउन कुर्ती। इसे बनाने के लिए मैंने दो कलर की फैब्रिक ली है। प्लेन फैब्रिक मैंने 2.5 मीटर ली है और प्रिंटेड फैब्रिक मैंने 3 मीटर ली है। और गाउन बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारी प्लेन फैब्रिक है इसे फुल लेयर में फोल्ड करना है, क्योंकि जो प्रिंटेड फैब्रिक है उस पर आप मार्क नहीं देख पाओगे, तो इसलिए हम प्लेन फैब्रिक पर ही ड्राफ्टिंग करेंगे। तो हमने जो प्लेन कपड़ा है इसे फुल लेयर में फोल्ड करना है। पहले हम ऊपर की जो गाउन है उसकी चोली निकाल रहे हैं, तो हमने कपड़े को एक बार फोल्ड किया है और इसके बाद हमने फिर से इसे एक बार फिर से फोल्ड किया है। और फुल लेयर में हमने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसे फोल्ड किया है, चौड़ाई का 4 प्लस 2 इंच, तो हमने इसे 12 इंचेस की चौड़ाई ली है। और जो हम इसकी लेंथ ले रहे हैं वो 17 इंच ले रहे हैं। सिल के तैयार है 16 इंच की होगी, तो यहाँ पे जो हम मार्क कर रहे हैं वो 17 इंच पे कर रहे हैं। 1 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए रख रहे हैं, तब 17 इंच ले रहे हैं। और सिल के तैयार ये 16 इंच की होगी, और ऐसे हमें रख के इंची टेप को ऊपर से नीचे की तरफ मार्क करने हैं और एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है नीचे से। ये हमने सीधी लाइन खींच दी है। इसके बाद अब सबसे पहले हमें तीरा लेना है शोल्डर, जैसे कि वो 14 है तो उसका हाफ हुआ 7, तो एक मार्क हमें 7 इंच पे करना है। और इसके बाद आर्म होल्स की लेंथ भी हमें 7 इंच ही लेनी है। आर्म होल्स की लेंथ भी हमने 7 ली है। और इसके बाद हमारी जो चौड़ाई है उसका 4, तो हमें 10 इंच लेना। चौड़ाई हमारी 40 है तो उसका 4 10 इंच हुआ, 40 का 4th भाग 10 इंच पे हमें एक मार्क करना है। और इसके बाद हमें यहाँ पे 2 इंच ऐड कर रहे हैं 2 इंच मार्जिन के लिए, आप चाहें तो 1 इंच भी ऐड कर सकती हैं। इसके बाद जो हमारी वेस्ट है उसका भी हमें 4th लेना है, वेस्ट का भी, जैसे कि वेस्ट 36 है तो उसका 4th 9 हुआ। और यहाँ पे भी हम 2 इंच ही ऐड कर रहे हैं, 2 इंच के करीब। और इस लाइन को हमें सीधी ऐसी ड्रॉ करनी है ऊपर से नीचे की तरफ। इसके बाद अब हम आर्म होल्स की कटिंग करेंगे। जैसे आर्म होल्स की लेंथ हमने 7 इंच ली है, तो उसका हाफ 3.5 इंच पे हमें एक मार्क करना है। और यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे ऐसे। अब हमें इसकी गोलाई करनी है। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग है। इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो जो हमने मार्क 3.5 इंच पर किया है, यहाँ पे हमें एक मार्क अंदर की तरफ 1/2 इंच करना है, और यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच के करीब ही लेना है। और हमें ऐसे इसे ऊपर से मिलाना है और नीचे से भी हमें इसकी गोलाई करनी है। तो ये जो ड्राफ्टिंग है ये बैक सॉरी फ्रंट आर्म होल्स की है। इसके बाद हम गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। और गले की जो चौड़ाई है वो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं जितनी भी आप रखना चाहती हैं। और लेंथ मैं 4 इंच के करीब ले रही हूँ। ये हम जो गला बना रहे हैं ये हमारा फ्रंट है, और जो हम बैक गला बनाएंगे उसके लिए हमें एक मार्क 2.5 इंच पर करना है। ये हमारा बैक गला रहेगा। यहाँ पर हमें ऐसे 1.5 इंच पे गोलाई करनी है, और यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच के करीब ही इसकी गोलाई करनी है। इसके बाद हमें आर्म होल्स की तरफ एक मार्क करना है 1/2 इंच पे, और गले की तरफ हम इसे ऐसे सीधा कर देंगे। हम गले से मुंडे की तरफ 1/2 इंच डाउन करते हैं। सबसे पहले हम बैक गले साथ में ही कट करेंगे दोनों पर्दों के, और यहाँ पे हम आर्म होल्स की तरफ से कटिंग करेंगे। तो हम पहले बैक आर्म होल्स की कटिंग करेंगे, और इसके बाद हमें इसे साइड से भी कट करना है और नीचे की तरफ से भी। इसके बाद हमें एक पर्दे को इसमें से अलग करना है। ये हम बैक पर्दा अलग करेंगे इसमें से। बैक पर्दे को अलग करने के बाद अब हमें फ्रंट गले की कटिंग करनी है, और फ्रंट आर्म होल्स की भी कटिंग करनी है। देखिए जो गाउन है उसके ऊपर के पर्दे की ड्राफ्टिंग व कटिंग हमने कर ली है। इसके बाद जो हम नीचे के पर्दे कट करेंगे उसके लिए
जितना भी हमारा ये कपड़ा है इसे हमें एक बार फोल्ड करना है ऐसे, और फिर हमें इसे दोबारा से फोल्ड करना है। तो कपड़े को हमें डबल फोल्ड करना है, और डबल फोल्ड करने के बाद हमें जो ऊपर का हिस्सा है चोली वाला वो लेना है, उसे भी हमें फोल्ड करना है। और ये बात ध्यान रखें कि जो ये खुली साइड है ऊपर के पर्दे की, ये खुली साइड की तरफ ही आनी चाहिए और बंद हिस्सा बंद की तरफ आना चाहिए। और हाफ इंच हमें इसे इसके ऊपर रखना है ऐसे, और यहाँ से हमें इसकी लेंथ लेनी है 52 इंच। ये लॉन्ग गाउन है तो हम इसकी लेंथ ले रहे हैं 52 इंच के करीब। और इसमें जो मार्जिन के लिए ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 53.5 इंच के करीब, 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए ले रहे हैं। तो हमने इसकी फुल लेंथ ली है 53.5 इंच के करीब। और यहाँ पे हम इसे ऐसे तिरछा करते हैं। ध्यान रखें ये इसमें इम्पोर्टेंट है, आप इसे नीचे तक ही ना ले जाएं ऐसे तिरछा करके। तो हमें जितनी भी हमारी इसकी लेंथ है, जो हमारा ये नीचे का हिस्सा है, हमें इसे हाफ तक तिरछा करना है, और इसके बाद हम इसे ऐसे सीधा कर देंगे। तो इससे ये है कि फिनिशिंग अच्छे से आएगी और इसमें झोल नहीं आएगा, और इसकी जो चौड़ाई है उसकी घेर की वो भी फुल ही रहेगी। और ऐसे हमें मार्क करके इसकी कटिंग कर ली है। और जो हमारी ये गाउन है इसकी ड्राफ्टिंग व कटिंग हो गई है। इसके बाद जो हमारे ये दूसरे कपड़ा है उसके पर्दों की कटिंग करेंगे हम। अब हमें इसमें से भी इसके इसी तरीके से कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें ये वाला कपड़ा लेना है, और इसे हमने डबल फोल्ड किया है, फुल लेयर में रखा है हमने कपड़े को। और अब हमें जो पर्दे हैं पहले हमने कटिंग की थी, इसको हमें बैक पर्दे को लेना है। ध्यान रखें पहले हमें बैक पर्दे को लेना है, और लेने के बाद यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, मार्क करेंगे ऐसे, जैसे भी हमने इसकी कटिंग की है उसी तरीके से हमें मार्किंग करनी है। अब इसके बाद हमें कटिंग करनी है। दोनों गले हम साथ में ही कट कर रहे हैं, आर्म होल्स भी हमें बैक पर्दे के अनुसार ही कट करने हैं, और साइड से भी। इसके बाद हमें बैक पर्दे को अलग करना है। अब हमें फ्रंट पर्दे को लेना है। बहुत ही इजी तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ कटिंग करने का। अब हमने इसे फ्रंट पर्दे को लिया है, और हमने इस फ्रंट पर्दे को ऐसे रखा है, और इसी तरीके से हमें इस गले की कटिंग करनी है, और आर्म होल्स की भी हमें इसी तरीके से कटिंग करनी है। देखिए ये पर्दे तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जो ऊपर वाले पर्दे हैं। इसके बाद हमें नीचे के पर्दों की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने कपड़े को एक बार फोल्ड किया। ध्यान रखें यहाँ पे हमें सिर्फ एक बार ही फोल्ड करना है। और अब हमें ये फ्रंट का पर्दा लेना है, इसे हमें फोल्ड करना है, और फोल्ड करके जो हमारे कपड़े की बंद साइड है उसी तरफ हमें बंद साइड की तरफ ही रखना है। और ध्यान रखें फ्रंट पर्दे को हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो ये बंद साइड की तरफ है यहाँ पे हमने पर्दे को 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो हमारा सेंटर में आएगा। और यहाँ से हमें कटिंग करनी है, जैसे भी है ये हमें इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। और जहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है कपड़े को, यहाँ पे भी हमें कट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे इस कपड़े को फोल्ड करेंगे जो हमारा नीचे का कपड़ा है। और इसी तरीके से हमें दूसरे पर्दे की भी कटिंग करनी है, पर दूसरे तरीके से बैक पर्दे की कटिंग। ये यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे हमें इसे पर्दों को फोल्ड करना है दोनों साइड से। तो ये हमारे फ्रंट पर्दे हैं, और बैक पर्दे की कटिंग के लिए ऐसे ही हमने कपड़े को एक बार फोल्ड करके रखा है, और ऐसे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। और बैक पर्दे की भी कटिंग हो गई है। और अब हमें बाजू की कटिंग करनी है, और बाजू की कटिंग करने के लिए हमें कपड़ा लेना है, और पहले हमें कपड़े को एक बार फोल्ड करना है। एक बार फोल्ड करने के बाद फिर से हमें इसे एक बार फिर से फोल्ड करना है। तो कपड़े को यहाँ पर भी हमें डबल फोल्ड ही करना है, और हम फुल लेंथ ले रहे हैं बाजू की। और जो हमें बाजू की चौड़ाई लेनी है वो 10 इंच के करीब लेनी है। इसके बाद जो हम लेंथ ले रहे हैं वो हमें 23 इंच के करीब लेनी है। हम इसमें सिर्फ
एक इंच ही कपड़ा ऐड कर रहे हैं। और अब हमें यहाँ से इसको कट करना है। अब हमें इसकी ड्राफ्टिंग करनी है और हम पहले ऊपर की तरफ से एक मार्क 3 इंच पे करेंगे और इसके बाद नीचे से हमें खुली साइड की तरफ से 3.5 इंच पे एक मार्क करना है जब भी हम फुल बाजू की कटिंग करते हैं उसके लिए। और यहाँ पे हमें इसकी गोलाई करनी है जो हमने एक मार्क 3.5 इंच पे किया है। और यहाँ पे जितनी भी बाजू की हमें मोहरी रखनी है बॉटम पार्ट, वो आप अपने अकॉर्डिंग लें। मुझे यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्क करना है और यहाँ पे मैं 1 इंच ही ऐड कर रही हूँ। ऐसे हमें इसे मिलाना है। अब हमें फ्रंट बाजू की कटिंग करने के लिए जो हमारा 3 इंच से नीचे की तरफ तिरछा आता है जहाँ पे हम गोलाई करते हैं उसका हमें हाफ़ करना होता, जैसे कि 7 इंच के करीब आ रहा, 7 इंच के, इसका हाफ़ 3.5 इंच हुआ। हाफ़ इंच हमें अंदर की तरफ एक मार्क करना है और इसकी यहाँ पे ऐसे गोलाई करनी है, ऊपर की तरफ मिलाना है इसे और नीचे से भी हमें इसे नीचे की तरफ इस तरीके से मिलाना है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। पहले हम बैक आर्म होल्स की कटिंग करेंगे और इसके बाद 2 पर्दे हमें ऊपर की तरफ उठाने हैं और फ्रंट के पर्दों की कटिंग करनी है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करने का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले हमने एक पर्दा लिया है जिसे हमने सीधा रखा है। इसके बाद इसको भी हमें सीधा ही रखना है और यहाँ पे गले पर सिलाई लगानी है। ध्यान रखें जो हमारा पर्दा है उसे हमने सीधा रखा है और दूसरे पर्दे को भी हमने इसके ऊपर सीधा रख के सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये कट हम फिनिशिंग के लिए लगाते हैं ताकि फिनिशिंग हमारी अच्छे से आ सके और फोल्ड करने में झोल ना आए। ये कट लगाने के बाद अब हमें इसे बैक साइड में फोल्ड करना है। बैक साइड में फोल्ड करने के बाद जिस तरीके से हम ब्लाउज के अस्तर जोड़ते हैं उसी तरीके से हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगानी है। और शुरुआत हम गले की तरफ से करेंगे। और ध्यान रखें जब भी हम सिलाई लगाएं सिलाई हमारी एक ही सीध में आए, कम ज़्यादा ना हो। कम ज़्यादा होने से फिनिशिंग नहीं आती है और कपड़े में झोल भी आता है। तो इसी बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी सिलाई लगाएं तो वो सिलाई आपकी कम ज़्यादा ना हो। और ऐसे ही हमें मुड्ढे की तरफ सिलाई लगानी है, आर्म होल्स की तरफ, और चारों तरफ हमें ये सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई मैंने चारों तरफ लगा ली है और इसी तरीके से हमें दूसरे पर्दे को भी तैयार करना है। एक पर्दा मैंने आपको तैयार करना बता दिया है, ऐसे ही आप दूसरे पर्दे को भी तैयार कर लें। ये पर्दा भी मैंने तैयार ही कर लिया है, दोनों पर्दे मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हमें नीचे के पर्दों को तैयार करना है। और ये हमारे जो पर्दे हैं हमने कट किए थे, ये फ्रंट पर्दे हैं, तो इन्हें हमें ऐसे सेंटर से हमें सिलाई लगानी है क्योंकि हमने 1 इंच हमने इसीलिए एक्स्ट्रा लिया था ताकि हम इसे ऐसे फोल्ड कर दें और सीधी सिलाई लगा लें। दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी है और फिर हमें इसे दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद ऊपर से भी हमें वेस्ट की तरफ से भी इसे सिलना है। ऐसे इनको भी हमें जोड़ देना है। मैं आपको सिर्फ सिलाई बता रही हूँ, करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि सिलाई सीधी थी इसलिए मैंने आपको बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमें सिर्फ इन्हें ऐसे फोल्ड करना है साइड से और ऊपर हमें इसे वेस्ट की तरफ से भी जोड़ दिया है। इसके बाद हमें ये चोली वाला हिस्सा लेना है और ये हमें साइड से नहीं सिलना, वो तो हम सिलाई लगाते टाइम ही सिलेंगे। इसे हमें ऐसे रखना है, इसके ऊपर ऐसे उल्टी तरफ रखना है और सिलाई लगा लेनी है। क्योंकि ये पर्दा काफ़ी बड़ा है, यदि मैं आपको सिलाई करना बताती तो आपको समझ में नहीं आता, तो सिर्फ मैंने आपको बताया ही था कि इस तरीके से आप सिल लें। और यहाँ पे हमने वेस्ट पर भी सिलाई लगा ली है और इसके बाद हमें इसके ऊपर एक सिलाई और लगानी है। ध्यान रखें जो ये कपड़ा है सिलाई वाला, इसे नीचे से ऊपर की तरफ करना है और सिलाई लगानी है यहाँ पे। ये सिलाई हम फिनिशिंग के लिए लगाते हैं। अब हमें ऐसे ही दूसरे पर्दे को भी तैयार करना है। फ्रंट पर्दे को हमने तैयार कर लिया है और अब हम बैक पर्दे को तैयार करेंगे। बैक पर्दे को भी हमें ऐसे ही तैयार करना है। दोनों पर्दे हमें ऐसे रखने हैं। दोनों पर्दे रखने के बाद अब हमें ऊपर के पर्दे को लेना है और ऐसे हमें इसे रखना है, सिलाई लगानी है। सेम फ्रंट पर्दे की तरह ही हमें इसे तैयार करना है। दोनों पर्दे हमने तैयार कर लिए हैं।
इसके बाद अब हमें एक पर्दे को सीधा रखना है, इसके बाद दूसरे पर्दे को हमें उल्टा रखना है और शोल्डर पे सिलाई लगानी है। और ऐसे ही हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लें। देखिए हमने ऊपर से इन पर भी सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें नीचे से ये फोल्ड बॉटम पार्ट फोल्ड करना है। तो ध्यान रखें जो हमारा ये प्लेन कपड़ा है जो अंदर की तरफ रहेगा लाइनिंग वाला, इसे हमें 1.5 इंच के करीब फोल्ड करना। पहला फोल्ड 1/2 इंच पे करना है, दूसरा हमें 1 इंच पे फोल्ड करना है। और ऐसे ही हमें दोनों पर्दे फोल्ड कर लेने हैं। मैंने ये दोनों पर्दे फोल्ड कर लिए हैं 1.5 इंच के करीब। और जो हमारे दूसरे पर्दे हैं ये हमें 1 इंच के करीब फोल्ड करने हैं, ये हमें कम फोल्ड करने हैं। और अब हमें साइड में सिलाई लगानी है अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। और जब आप सिलाई लगाएं तो आप पहले मार्क कर लें तब ही सिलाई लगाएं। यदि आप इस तरीके से लगा सकती हैं तो ऐसे भी लगा लें। और हमें दोनों साइडों में इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद अब हम बाजू लगाएंगे। बाजू लगाने के लिए सबसे पहले हमें बाजू के पर्दे लेने हैं। और इन्हें हमें नीचे से फोल्ड करना है, जितना भी आप फोल्ड करना चाहें, जितना आपने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हो। इसके बाद पहले हमें बॉटम पार्ट पे निशान लगाने हैं। जैसे कि हमारा बॉटम पार्ट 12 था तो हमने उसका हाफ लिया है 6 इंच। इसके बाद जो हम दूसरा मार्क करते हैं वो हम आर्म होल्स का नाप लेने के बाद ही मार्क करेंगे। ऐसे हमें इसे हल्के हाथ से सीधा करना है। और जैसे कि ये 8.5 इंच आ रहा है तो यहाँ पर हमें इसे सीधा नहीं करना, जैसे भी है इसे ऐसे ही रखना है। और यहाँ पे भी हमें 8.5 इंच पे एक मार्क करना है और ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है। और अब हमें इस पर सिलाई लगानी है। देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा ली है, वो मैंने लगाना इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने हर वीडियो में ऐसे बाजू को जोड़ना और लगाना बताया हुआ है, आप वहाँ से देख लें। मैंने बाजू को सीधा किया है। इसके बाद जो हमारी ये गाउन है इसे भी हमें सीधा ही रखना है। और ध्यान रखें जो हमारी फ्रंट की कटिंग है, बाजू में भी ऐसे ही फ्रंट की कटिंग होती है तो वो फ्रंट पे ही आनी चाहिए। ऐसे बाजू को हमें सीधा रखना है और इस तरीके से हमें बाजू को सिलाई की तरफ से मिलाना है यहाँ से। और सिलाई लगा लेनी है। मैंने बाजू पर भी सिलाई लगा ली है, ऐसे ही आप दूसरी बाजू पर भी सिलाई लगा लें। और जो हमारा ये गाउन है लॉन्ग, ये कंप्लीट है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना फ्री होता है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।